शिवहर जिला में एचबीएन न्यूज चैनल की टीम शिवहर विधानसभा के राजद प्रत्याशी चेतन आनंद से कुछ खास मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा सुनिए। पिछले 10 साल में कोई डेवलपमेंट का काम हुआ भी नहीं है। हाईवे का भी कंडीशन देखिएगा, अली जितनी रोडें हैं उनका क्या कंडीशन है वो तो छोड़िए, उसके अलावा अगर हाईवे का भी कंडीशन देखिएगा, चाहे शिवहर मुजफ्फरपुर हो या फिर शिवहर सीतामढ़ी हो, सबका कंडीशन अपने आप बताता है कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना नहीं हुआ है। उसके अलावा ये जो खोरी पाकर पुल का मामला है, शिवहर में रेलवे का मामला है और अनेकों मामले हैं। अभी अगर हम लिस्ट आपको गिनाएंगे तो हमको लगता है कि इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, क्योंकि पिछले 10 साल में कोई डेवलपमेंट का काम हुआ भी नहीं है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर शिवहर के थे उन्होंने कोई काम ऐसा कुछ किया नहीं, जिसके वजह से बहुत एक बैकवर्ड हम लोग जा चुके हैं, मतलब शिवहर का डेवलपमेंट बहुत पीछे रह चुका है। अच्छा, आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे बात वायरल हो रही है कि जो आप इस आरजेडी ज्वाइन जब किए, आरजेडी तत्काल ज्वाइन करते ही आपको टिकट किस उद्देश्य से दिया गया, मतलब यहाँ कार्यकर्ताओं जो पूर्व जो कार्यकर्ताओं थे उन्होंने ये वायरल कर रहे हैं कि इन्होंने जाति के नाम पर दिया जा रहा है या कुछ और के नाम पर, क्या ऐसी बात यह सत है? देखिए, सबसे पहली बात जाति वाति यह सब हम लोग मानते नहीं हैं। दूसरी बात, जहाँ हमारे नाम के आगे चेतन आनंद है, हम कोई अपने नाम के आगे ऐसा कुछ टाइटल नहीं रखे हैं जिसके वजह से हम जाति को वो सब। लेकिन खैर, आप जो क्वेश्चन पूछें उसका भी आंसर दे देते हैं। पिछले बार लवली आनंद जी यहाँ से लड़ी थी और आप सभी को पता है कि वो जीत गई थी, तो ये इसीलिए हमको यहाँ पर दिया गया है क्योंकि शिवहर से हमारा लगाव है। 25 साल से आनंद मोहन जी शिवहर के लिए लगे रहे, ये हमारा क्षेत्र है और इसीलिए हम लोग को उन्होंने सोचा कि हम यहाँ के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, इसलिए हमको टिकट दिया गया। अच्छा सर, कुछ ऐसा सुनने में आता है कि जैसे लोग कहते हैं कि चेतन आनंद जी बाहरी हैं, ऐसे यहाँ आकर क्या बोला जाए, क्या ऐसा इस पर आपको मन में क्या उत्पन्न होता है कि हाँ हम बाहरी हैं, ये विधायक बने तो यहाँ पे आ सके, जनता को सेवा कर सके? आप ये बताइए कि आपका एज क्या है? जी मेरा एज तो 22 है यार। 22 यार, हमारा 29 है जी। हाँ, और 25 साल से आनंद मोहन जी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में आना जाना रहना। हाँ, और शिवहर में अनेकों जगह उनका अपना जो मान के चलिए घर जैसा बिल्कुल वातावरण उनको मिला है, शिवहर के बेटे कहलाते हैं। आप 22 साल के हैं, 25 साल से आनंद मोहन जी यहाँ पर हैं, तो आपसे पहले से ना आनंद मोहन जी यहाँ जी, ये बात है ये हम नहीं कर रहे हैं। और सर एक और बात है कि यहाँ जब 1994 ईस्वी में जब शिवहर डिस्ट्रिक्ट की संस्थापना हुई तो उस वक्त से देखा जा रहा है कि शिवहर का कोई एरिया या कोई डेवलपमेंट यहाँ देखा जा रहा है कि नगर निगम एक ही, और यहाँ क्या आप ऐसा लगता है कि यदि ऐसा हो तो इस पर आप विकास करें, शिवहर का एरिया बढ़ावे, और क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जो भी पॉसिबल होगा शिवहर के विकास के लिए उसको हम लोग करेंगे। अब वो क्या है, कैसे करेंगे वो सब हम लोग पहले ही, मतलब देखिए सबसे पहली बात है पुल पुलिया रोड, ये सब बेसिक नीड होती है किसी भी जिला की। ये सबसे छोटा जिला है और सबसे अंडर डेवलप्ड जिला है आज बिहार में हमारा, जबकि छोटा तो अंडर अनडेवलपमेंट जिला है, तो इसको डेवलपमेंट करने के मतलब बिल्कुल भाई हम बोले ना, जबकि सबसे छोटा जिला बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा हम लोग को देखने के लिए आ रहा है कि क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे, उन्होंने इसके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया। हमको याद है कि आनंद मोहन जी जब यहाँ पर लगभग 2 साल 6-7 महीने के लिए जब एमपी बने थे, तब इधर डेवलपमेंट तेज़ी से होना शुरू हुआ था। आज भी आप किसी भी गांव मोहल्ले में पता कर लीजिए कि आनंद मोहन जी ने कितना कम समय में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया था। तो ये पॉसिबल है, अगर प्रतिनिधि अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। और सर शिवहर की जनता एक मांग करती है कि यदि आपकी पार्टी की सरकार बन रही है तो क्या शिवहर में रेल ओड़ा नहीं है, इसकी व्यवस्था आप सरकार से कोई ये प्रतला भी कर सकते हैं? आपको याद होगा कि पिछले साल मतलब लगभग 2 साल पहले सुरेश प्रभु जी से हम लोग मिले थे,
सब लोगों को याद होगा, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में ये बात गई थी। हम लोगों ने उधर यही बात उठाई थी। 96 में आनंद मोहन जी ने ही सबसे पहले रेलवे का मुद्दा उठाया था, और रेलवे के लिए जो बिल था वो, मतलब वो जो पास हो चुका था शिवहर के लिए, रेलवे के लिए लगभग 18 करोड़ उस समय का, 96 की बात कर रहे हैं, दे दिया गया था और एक मैप बना दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सरकार है मौजूदा, उसने ज़मीन अलॉट नहीं की है। ऊपर से हो चुका है लेकिन नीचे जो राज्य सरकार है उसने ज़मीन अभी तक मुहैया नहीं कराया, जिसके वजह से रेलवे का काम रुका हुआ है। और दुर्भाग्य उसमें ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक बार भी इस सवाल को रखने का काम नहीं किया। तो ये आपको समझना होगा, जनता को समझना होगा। तो क्या लगता है कि इस बार ऐसा हो सकता है कि जमीन उमीन का जो ये हो, ये सब सर्वे? बिल्कुल, हम अगर जगह सदन में पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो मेरे पिताजी श्री आनंद मोहन जी का अधूरा सपना है उसको हम पूरा करेंगे और रेलवे शिवहर में हम लाएंगे, ये हमारा एक फर्ज है। तो देखिए, इस समय हम बातचीत की और इन्होंने ये कहें कि हम रेलवे लाएंगे, यदि इस मुद्दे पर यदि हो जाए तो रेलवे की, सबसे पहले तो ये बोले कि अपने शिवहर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुल पुलिया रोडवेज है पहले ये पर ध्यान देंगे, उसके बाद में रेलवे लाएंगे। धन्यवाद। HVA न्यूज शिवहर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HVA न्यूज।